Hello everyone, welcome to my channel NCERT Learning Hub. Here we are going to solve question number 10 from exercise 12.3. Question is, simplify the expression and find its value when a equals to 5 and b equals to minus 3. And given expression is 2 a square plus ab bracket close plus 3 minus ab. तो ये सबसे पहले आपको क्या करना है, जो given expression है इसको simplify करना है. उसके बाद क्या करना है आपको, फाइंड इट्स वैल्यू. उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है जब क्या होगा, ए की वैल्यू 5 होगी और बी की वैल्यू माइनस 3 होगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ओके, तो ये होगा आपका 2 की मल्टीप्लाई जो है ब्रैकेट के अंदर होगी, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 2ab, ये होगा प्लस 3 माइनस ए बी. तो यहाँ पर ए स्क्वायर सिर्फ सिंगल वो टर्म है, वो है 2a स्क्वायर और कोई नहीं है. फिर आता है ए बी, एक ये रहा 2ab एंड ये रहा माइनस का 1ab. तो 2ab में माइनस 1ab हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 1ab देन प्लस 3. ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू पुट द वैल्यूज़. ठीक है, ए की वैल्यू आपको 5 रखनी है और बी की वैल्यू माइनस 3. तो आप लिख भी सकते हैं पुटिंग ए इक्वल्स टू 5 एंड बी इक्वल्स टू माइनस 3. तो आप क्या करेंगे, ए की जगह 5 रखेंगे स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू माइनस 3 एंड प्लस 3. तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, यानी कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ा 25. फिर आपके पास है 1 × 5 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15. लेकिन आप देख रहे होंगे अंदर माइनस का साइन भी है, तो ये बाहर ओपन होगा तो ये माइनस का साइन हो जाएगा यहाँ पर प्लस 3. तो 25 2 ज़ा करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 50 माइनस 15 एंड प्लस 3. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 50 प्लस का है ये माइनस का 15 है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 5 का है तो ये आपके पास 5 बचेगा. एंड यहाँ 4 है तो 4 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, 3 35 50 माइनस 15 35 एंड प्लस 3. तो 35 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका आंसर, 38 एंड दिस इज़ योर आंसर. ओके,